सब्सक्राइब करें ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी के लिए और सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि गुलाबों जैसा गुलाबी निखार आप अपने स्किन पर कैसे पा सकते हैं। गुलाबी निखार होता क्या है? ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा बना देता है और गुलाबी निखार की वजह से हमारी जो स्किन है वो बहुत अच्छी दिखने की वजह से हम भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। वैसे तो गुलाबी निखार पाने के लिए पता नहीं हम क्या क्या नहीं करते, जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसके बाद जाकर पार्लर में घंटों घंटों बैठते हैं और बहुत सारा पैसा भी लगा देते हैं। पर दोस्तों अगर आपको भी गुलाबी निखार चाहिए वो भी घर बैठे बैठे, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपके काफ़ी पैसे भी बचेंगे, तो चलिए देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप गुलाबी निखार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए चुकंदर। चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारे स्किन को जवा बनाए रखता है, साथ ही साथ ये हमारे स्किन पर एक बहुत ही अच्छा गुलाबी निखार भी देता है। इसके लिए आपको इसका रस बना लेना है और इस रस में आपको लगभग 2 बड़े चम्मच हनी यानी शहद मिलाना है। अब इन्हें अच्छे से मिलाकर रुई की मदद से इस मिश्रण को अपने चेहरे पर कुछ मिनटों के लिए लगाकर छोड़ देना है और जब ये थोड़ा बहुत सूख जाए तब अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है। दोस्तों चाहे तो आप इसे रोजाना कर सकते हैं या जब भी आपको लगे कि आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है तब आप इसे कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके चेहरे पर इंस्टेंटली ग्लो आएगा, वो भी गुलाबी वाला। इसके बाद दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारे स्किन पर डेड स्किन सेल की लेयर आ जाती है, साथ ही साथ हमारे स्किन पर बहुत ही रूखापन भी आ जाता है और इसी की वजह से हमारे स्किन का जो ग्लो है वो चला जाता है। पर दोस्तों अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको एक अच्छा सा उपाय बताती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच चंदन, 1 चम्मच मलाई, 1/2 चम्मच शहद और 1/2 चम्मच गुलाब जल। इन चारों को मिक्स कर लीजिए और इसे अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए। ये उपाय क्या करेगा कि स्किन की जितनी भी ड्राइनेस है वो चली जाएगी और बहुत ही सॉफ्टनेस आ जाएगी, साथ ही साथ ग्लो भी बहुत ही आसानी से आ जाएगा। जब ये फेस मास्क सूख जाए तब आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो सकते हैं। इसके पहले ही उपाय से आप अपने स्किन पर बहुत अच्छा गुलाबी ग्लो देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसकी वजह से आप रातों रात गुलाबी ग्लो पा सकते हैं। इसके लिए आपको रात में सोने से पहले 1 बड़ा चम्मच कच्चा दूध लेना है या फिर नॉर्मल दूध भी चलेगा और 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल लेना है। गुलाब जल भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर रुई की मदद से लगा लीजिए और ऐसे ही सो जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट महसूस हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि 15 से 20 मिनटों के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से हो सकते हैं या फिर इसे रात भर ऐसे ही रहने दें। दोस्तों ऐसा करने से जब आप सुबह उठेंगे और अपने चेहरे को धोएंगे तो आपके स्किन पर एक बहुत ही अच्छा गुलाबी निखार रहेगा और जिसे देखकर हर कोई आपको इसका सीक्रेट जरूर पूछेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही आसान से तरीके घर पर ही गुलाबी ग्लो पाने के। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहीं अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।